हाँ जी, अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पाटना में। तो सबसे पहले गिवन पार्ट पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 5:3:2। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, पी क्यू एंड आर, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है ओल्ड पीएसआर में, से कह दूं पीएसआर दे रखी है ओल्ड हमें 5:3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे क्वेश्चन कहता है दे एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एडमिशन हुआ है एस का फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर इसे हम देंगे, ठीक है। आगे क्या कहता है, पी सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस, ठीक है। कहता है अब ये जो 1/5 देना है इसे कैसे कैसे दिया जाएगा। कहता है पी जो है वो दे रहा है कितना, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, हिज शेयर यानी पी अपने शेयर, फ्रॉम हिज शेयर अपने शेयर से दे रहा है, ठीक है। और आगे कहता है एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय क्यू एंड आर इन अ रेशियो ऑफ 2:1, और रिमेनिंग कौन देंगे, क्यू देगा और आर देगा रिमेनिंग, ठीक है। 1/10 वो दे रहा है, ठीक है, रिमेनिंग देंगे क्यू और आर, और किस रेशियो में देंगे, ये देंगे इन अ रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 में देंगे। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले एक बात समझिए आप, हमें 1/5 देना है, पहले तो ये निकालो इसने कितना दिया। अगर इसकी बात करें तो इसने दिया कितना, इसका शेयर कितना है पी का, देखो पी का शेयर है 5/10, तो 5/10 की बात करें, 5/10 का उसने 1/10 दे दिया, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 5/100 कह लीजिए आप इसे, या इसे कह लीजिए 1/20, एक ही बात है, मैंने 5 कॉमन फैक्टर था ऊपर नीचे हटा दिया। अब 1/20 हिस्से तो इसने दे दिए, अब बच कितना गया, अब ये रिमेनिंग ये कितना देंगे, दे रहो देखो पहले रिमेनिंग निकाले हम, ये 2:1 में जो बटना है वो रिमेनिंग देखे पहले कि एस को और कितना मिलना है, 1/20 तो किससे मिल गया, इसे पी से मिल गया, तो रिमेनिंग देखो कितना निकलेगा। हमने कहा उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/5, 1/5 में से 1/20, सॉरी हाँ 1/20, तो मिल गया इसे किससे, ये टोटल था ये मिल गया पी से, तो कितना और मिलना चाहिए, देखो एलसीएम लो जरा 20, ठीक है जी 20 एलसीएम आ गया, तो 4 से गया, 4 - 1 यानी 3/20 और मिलना है। ये आ गया क्या, ये अभी मैं कुछ अलग कैलकुलेशन कर रहा था यहां पर, ये मैंने निकाल लिया रिमेनिंग, रिमेनिंग टू बी गिवन बाय P, नहीं सॉरी Q एंड R इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो ये जो बचा है 3/20 ये दोनों देंगे Q एंड R। आप देखें तो कितना कितना देंगे ये दिखा लीजिए, आप देखिए Q कितना देगा, Q देगा कितना है 3/20, रिमेनिंग 3/20 था इसका 2/3 तो Q देगा, और R कितना दे देगा 3/20 का 1/3 ये दे देंगे, तो ये दोनों देंगे अपने हिस्से से। ये तो कैलकुलेशन की बात थी, इसे सिस्टम से लेकर जाते हैं, वहां पर करना कैसे, इस फॉर्मेट में करेंगे इसे, आप निकालना चाहें तो निकाल भी देता हूं इस हिस्से को मैं। ये आ गया 6/, ये आ गया हमारे पास 60, ये कितना आ गया 3/60, ऐसे दिया गया है ये, ठीक है जी। आइए तो आइए इसे हम सॉल्यूशन को उस तरीके से करते हैं, मैंने फॉर्मेट बना रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन ने कहा है सेक्रीफाइस भी बताइए और न्यू रेशियो भी बताइए, तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालें हम लोग, आइए। चलिए जी, तो पार्टनर्स के नाम क्या है हमारे पास, पी क्यू एंड आर, ये तीन पार्टनर हैं, ठीक है। इसके बाद एस का एडमिशन हुआ है तो उसे भी नया पार्टनर डाल देते हैं हम, ठीक है। आइए ओल्ड शेयर की बात करें तो इसका शेयर है 5/10, क्यू का शेयर है 3/10, 3 है ना 3/10, और R का शेयर है 2/10। यहां तक की बात समझ में आती है। अब S का ओल्ड शेयर तो नहीं है, पर S को कहा गया है आपको मिलेगा 1/5,
मैंने कहा ठीक है मिलेगा। एडजस्टमेंट में क्या करना है, इसके यहाँ पे प्लस करना है 1/5। अब कैसे देना है 1/5, कहा गया है क्वेश्चन ने कहा है कि पी देगा कितना अपने शेयर का, ये इसका शेयर है, इसमें से कहता है ये अपने शेयर का कितना देने जा रहा है, ये देने जा रहा है 1/10। 1/10 ही कहा है ना क्वेश्चन ने, हाँ 1/10 ऑफ हिज शेयर। इस चीज को सॉल्व कर लीजिए आप, ये आगे हमने यहां सॉल्व किया था 5/5 किया था ना सॉल्व इसे हमने, आइए सॉल्व कर लीजिए। वर्किंग नोट को छोड़िए, आप मुझे बता दीजिए आपने सॉल्व करवाया था मुझसे अभी, ये बताइए कितना आएगा या अमाउंट बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। है जी, अच्छा, गड़बड़ हो गई हमसे, वर्किंग नोट में गलती की है, क्या की है, फ्रॉम हिज शेयर क्या लिखा था लैंग्वेज, पी सेक्रीफाइज 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर नहीं है, ओके ओके ठीक है समझ में आ गई बात भाई, ये फ्रॉम हिज शेयर है, 1/10 उसने दे दिया तो हमें डायरेक्टली माइनस करना था यहां पर, मैं कहूं तो हमसे गलतियां ये हो गई, इसे चेंज कर लेते हैं एक बार। आइए जरा, हमने जो ये देना था ना एडमिशन हुआ, यहां पर ये सीधा 1/10 दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर, तो इसका मतलब ये होगा कैलकुलेशन में यहां पर ऐसा करना पड़ेगा, मैं यहां कैलकुलेशन करवा दूं आपसे, यहां ये आएगा 5/10 था उसका हिस्सा, ठीक है 5/10 उसका था, उसमें से 1/10 दे दिया उसने, ठीक है अब सही है जी, ठीक है तो कितना बच गया जरा बता दीजिए, ये बच गया एलसीएम ले लो 10 आ गया 10 में से, भाई अभी भी मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है आपके में इसमें, ठीक है देखिए एक बार आप, चलो छोड़ो आप एक काम करते हैं ना, सीधा हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है आइए सीधा यहां पर काम करें इस पर, आप सही है ये, चलिए 4/10 ठीक है 4/10 है, ठीक है अब आ गया 4/10 आ गया, तो 4/10 इसके पास बच गया, इसने दे दिया 1/10 देने के बाद, ये तो इसका शेयर बच गया, ठीक है ये बच गया न्यू शेयर ऑफ न्यू पीएसआर ऑफ पी है, ये इसने सेक्रीफाइस किया 1/10 इसे मिल गया। अब यहां पर आइए, इसके में भी चेंज करने पड़ेंगे फिर तो हमें, हाँ यहां आ जाइए, हम बात कर रहे थे 1/5 में से यहां चेंज करना पड़ेगा, और ये भी चेंज हो जाएंगे फिर 1/5 में से, रिमेनिंग हमने निकाल लिया, हमारा ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज होगा और ये भी अपने आप चेंज हो जाएंगे, आइए अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, आइए ठीक है तो 1/5 में से 1/10 मिल चुका है उसे, इसे भी सॉल्व करो दोबारा, अब आप कितना बच गया, ये आ गया एलसीएम हमारे पास 10, ये 2 से 2 - 1 यानी 1/10 बच गया। अब ये 1/10 जो बच गया ये रिमेनिंग शेयर निकल गया हमारा, 1/10 क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया जो कि देना है, क्योंकि आप सीधा समझ लीजिए आधा दे दिया पी ने, तो आधा आ गया दोनों देंगे, आधा यानी 1/10, 1/10 का 2/3 एन 1/3 कौन देगा, क्यू एन, क्यू एन आर, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2/30 ये देगा, और ये हो गया 1/30 ये देगा, चलिए जी आ गए। अब इस चीज को दोबारा यहां पर लिखें हम लोग, इस चीज में आ जाएं वापस, वहां आपको समझ नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ यहां पर आ जाइए, ठीक है आइए मैं इसे भी चेंज करता हूं, ये मैंने गलत लिख लिया था, सीधा माइनस करो, इसने अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया, 1/10 दे दिया तो 4/10 इसके पास बच गया, ठीक है अब आपने, मैंने रिमेनिंग निकलवाया आपसे 1/10, इसे 1/5 मिलना था, उसमें से 1/10 पी से मिला, तो इनसे कितना मिलेगा, इनसे भी 1/10 मिलेगा, तो कहते हैं हमारे हिस्से से क्या माइनस होगा, कहता है ये तुम्हारा ओल्ड है, ये भी कहता है ये 2/10 मेरा ओल्ड है, ठीक है इस ओल्ड में से कहता है जा क्या रहा है, वो कहता है 1/10 मैं दूंगा, 1/10 का जो बच गया किस रेशियो में दे रहे हैं ये दोनों, 2/3, 1/3 इसी रेशियो में बियर करना था इनको, आइए इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3/10 माइनस 2/30, यहां पर देखें 2/10 माइनस 1/30, आप ठीक है जी आ गया समझ में, आइए और इन सब का टोटल 1/5 तो आ ही रहा है, आप अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को तो देख लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने 1/10 पी से लिया
और 1/10 क्यू और आर से लिया, तो टोटल मेरा 1/5 ही है आप करेंगे तो इसको। आइए अब आ जाइए, अब देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर हाईएस्ट है, पर अच्छा पहले से और सॉल्व करा दें एक बार, ये आ गया हमारे पास 30, 30 में ये कितने से गया, ये तो 2 ही आएगा, ये 3 से गया, 3 9, 9 माइनस 2 यानी 7, ठीक है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर भी आ जाइए, ये भी 30 एलसीएम आएगा और ये जाएगा 3 से, तो 3 × 2 ठीक है, 6 − 1 = 5, तो 5/5, मैंने कैलकुलेशन कम कर ली, स्पेस थोड़ा सा कम था मेरे पास। अब आइए एलसीएम हमारा कितना है, जो सॉरी डिनोमिनेटर हमारा हाईएस्ट कितना है 30, तो इन सबको भी 30 बनाना है, इनके डिनोमिनेटर को, तो इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, मैं रेड पेन ले लेता हूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, अब कितना आ गया हमारे पास 6/30, ये कितना आ गया 5/30, ये कितना आ गया 7/30, और ये कितना आ जाएगा 12/30, तो हमारे पास नई पीएसआर आ गई है 12/30, 7/30, ठीक है ना, और ये आ गया 5/30, और यहाँ आ गया हमारे पास 6/30। अब एक काम करो, सारे न्यूमिनेटर्स का टोटल करो, देख तो लो अगर कहीं गलती तो नहीं है, इन सबका टोटल कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, तो 12 + 7 19, 19 और 6 25 और 5 30, 30 ठीक है, तो आप कह सकते हैं आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो देयरफॉर न्यू पीएसआर ऑफ पी क्यू आर एन एस इज इक्वल्स टू 12:7:5:6, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा क्वेश्चन है, मांगा है आपसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिए, तो कैलकुलेट करके दिखा दीजिए, कई बच्चे तो वैसे ही निकाल लेंगे बट हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। आइए जी मेरे साथ आइए, पार्टनर्स के नाम लिखिए, पी क्यू आर एन एस ठीक है, ओल्ड रेशियो की बात करें 5/10, 3/10, 2/10, ये ओल्ड गिवन था, एस का ओल्ड शेयर था ही नहीं। बात करें न्यू शेयर की, तो न्यू शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12:30, अभी ये कैलकुलेट करके आए ना ऊपर, ठीक है 12:30 फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा था आप लोगों के लिए, ठीक है वही, बस मैं उसमें फॉर्मेट में लिख रहा हूँ चीजों को, 12/30, उसके बाद क्यू का था 7/30 और आर का कितना है 5/30 और एस का कितना निकाला था हमने 6/30, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है, आ जाइए ओल्ड में से न्यू को माइनस करें, देखिए 5/10 −12/30, 3/10 −7/30, 2/10 −5/30 एंड दिस इज 0 − 6/30, आपको क्लियर कट बताया, इसे −6/30 का गेन है, इसे गेन है, नया पार्टनर है ना, गेन ही हुआ है इसके पास, तो पहले कुछ था ही नहीं, नेगेटिव तो डिनोट कर रहा था गेन को कि पुराना जीरो था, तो माइनस जीरो में से कुछ माइनस करोगे तो नेगेटिव में ही आने वाला है। आइए यहां पर आ जाइए, इसे सॉल्व करें, एलसीएम 30 ले लिया हमने, 30 ये गया 3 से, 15 − 12, 15 − 12 कितने हो गए 3/30, ठीक है ना, और यहां पर बात करें फिर एलसीएम 30 आ गया, ये फिर 3 से गया था, तो 9 में से 7 गए, 9 में 7 गए तो 2/30 सही है, यहां पर आ जाइए फिर एलसीएम 30 आ गया, ये फिर 3 से गया, 3 × 2 = 6, 6 − 5 यानी 1/30, इन सब ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, इसने भी सेक्रीफाइस किया है, इसने भी सेक्रीफाइस किया है और इसने भी सेक्रीफाइस किया है, पॉजिटिव में इसीलिए आया क्योंकि पुराना ज्यादा था नया कम है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर इज 3:2:1, ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई इनकी। चलिए क्वेश्चन ने हमसे यही मांगा था, तो एक काम करते हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं एक बार, पहले तो मैं न्यू रेशियो दिखा दूं आप लोगों को, आइए ये न्यू रेशियो दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पर, ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये आ गई हमारी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, और आप कह दीजिएगा गेन आपने किया है केवल
गेन बाय एस फॉर 6:30 कह लीजिए, और ये कॉमन आ गया 1/5 कह लीजिए, एक ही बात है। इसका मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया ना, अच्छा इसलिए 1/5 भी कह सकते हैं। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ हाँ जी बेटा, तो जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं, मैं उनको कुछ डिटेल्स बता दूं हमारी क्लासेस के बारे में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, यह है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है? ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप हमारी यहाँ सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं, SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से ही, ठीक है ना? तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, और वहां पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है ये मैं बताऊं। जब आप वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट और क्वेरी लिख सकते हैं और उन पर मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 9261004×7। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद एक जनरल क्वेरी आती है बच्चों की हमारे पास कि उन्हें वीडियोस ऑर्डर में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन वन मिल गया किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन टू कहाँ है, थ्री कहाँ है, या क्वेश्चन नंबर सेवन कहाँ है? तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप जब वीडियोस को देखते हैं तो हम चैनल पर प्लेलिस्ट डाल के रखते हैं, ठीक है ना? प्लेलिस्ट हमारी क्लास वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर वन की वीडियोस देखने हैं तो चैप्टर वन की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको सिक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है ना? तो आप उन्हें सिक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है आगे वाले वीडियोस को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो उससे पीछे कुछ एक बैकग्राउंड मटेरियल होता है, अगर आप उसे देखे बगैर आगे आ गए तो शायद आपको बातें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, ठीक है? तो ये बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट वीडियोस का एसेस आपको कैसे मिल सकता है। आप हमारे कंप्लीट कोर्स का एसेस ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये मुझे बताना था आप लोगों को। अब आप हम आगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है?